हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा सृष्टि ओम से। जैसा कि मैंने आपको आज एक मैं जो वीडियो लाइव करने जा रहा हूं वो वीडियो है मेरी 1+1 की ऑन कवर्ड एरिया प्रॉपर्टी का 55 गज का एरिया है जो लिफ्ट विद कार पार्किंग है। जो ड्राइंग रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं वो ड्राइंग रूम का साइज़ 11x12x15 का ड्राइंग रूम आता है जो बहुत ही स्पेशियस है। और सेम बेडरूम 12x12 का आता है। किचन का साइज़ 6x6x10 का ड्राइंग रूम आता है जो बहुत अच्छा स्पेस आता है। खुला डुला एरिया है और ये एरिया द्वारका मोड़ मेट्रो से हार्डली 700 मीटर के डिस्टेंस पर है और 25 फीट चौड़ी रोड है। टू साइड ओपन प्लॉट है, फ्रंट में 3 BHK है, बैक में 1 BHK का है। बहुत स्पेशियस एरिया है। तो मित्रों, अब मैं आपको अपना 1 BHK दिखाता हूँ विथ लिफ्ट विथ कार पार्किंग, 55 गज का 1 BHK। हाँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये है द्वारका मोड़ मेट्रो से हार्डली 700-800 मीटर की दूरी पर। ये लिफ्ट के सामने आप देख रहे हैं लिफ्ट लगी हुई। ये 50 गज का 1 BHK है जिसके फ्रंट में मैं खड़ा हूँ। आप देखें इसका डोर, इधर हमने MCV बॉक्स का प्रॉपर सेटअप दे रखा है और बिग साइज 1 से 1 BHK। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 BHK बनाने में हमने क्या क्या और कितना एरिया यूज़ किया हुआ है। आप देखें, मैं अभी ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ और ड्राइंग रूम का एरिया देखें कितना खुला डुला नज़र आ रहा है। ये ऑन पेपर 50 गज है, पोजीशन पे ये अप्रॉक्स जाता है 55 स्क्वायर यार्ड का एरिया। अब आप देखें यहाँ पे फॉल सीलिंग का एरिया और इसके अंदर स्ट्रिप्ट लाइट व्हाइट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा है। और सेम ही हमने वॉलपेपर यूज़ किया है व्हाइट के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशंस जो बहुत ही गजब देता है। आप टाइल में देखें नज़र, विट्रीफाइड टाइल्स है। विट्रीफाइड टाइल्स अपने आप में लाइट में गजब का फ्लेवर दे रही है। अब आप इसके साथ अब आपको मैं अपना ड्राइंग रूम का जो LCD पैनल है वो LCD पैनल दिखाता हूँ। ये देखिए आप LCD पैनल, ड्राइंग रूम की सिटिंग आप देखिए, प्रॉपर ड्राइंग प्लस डाइनिंग की इसमें प्रॉपर सेटअप आ रहा है। आराम से आप यहाँ यूज करते। इसकी कॉमन टॉयलेट, अब यहाँ पे कॉमन टॉयलेट से पहले मैं बोलूँगा, यहाँ पे हमने स्प्लिट AC की फिटिंग दे रखी है। जो नॉर्मली 1 BHK में हम विंडो ही देते हैं, यहाँ पे हमने स्प्लिट AC की फिटिंग दे रखी है। अब आइए मैं इसकी कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ। कॉमन टॉयलेट में भी हमने फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। प्लस आप देखें, और स्पेशियस है, खुला है एकदम से। यहाँ पे हमने सिंक का प्रोविजन देखा है। आप ये टॉयलेट की सीट देखिए, यहाँ टाइल्स का वर्क देखिए, ग्रुपिंग टाइल्स है। आप देखें टाइल्स के बीच में ग्रुप दिए हुए हैं जो बहुत ही अच्छा गेटअप दे रहा है। बहुत अच्छा काम किया है हमने यहाँ पे। अब आइए मैं इसकी किचन में आपको लेकर चलता हूँ, जो 1 BHK की किचन है। आप देखिए अभी राइट नाउ मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ और किचन में एरिया देखिए, एरिया कितना खुला डुला एरिया है। ये देखिए एरिया कितना है और ये देखिए प्रॉपर स्पेस है। और यहाँ सनमाइका फ्रंट और बैक हमने दोनों साइड दे रखी है। ऊपर भी हमने जो बनाया है टॉप, उसके अंदर सामान आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए यहाँ पे SS का प्रॉपर वर्क दिया है। नॉर्मली 1 BHK में हम 3 डोर से ज़्यादा नहीं दे पाते, यहाँ पे हमने 4 और काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। ये देखिए इनमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज है और यहाँ पे प्रॉपर सिंक का प्रोविज़न है। ये यहाँ पे हमने RO का प्रोविज़न दे रखा है। यहाँ पे हमने नॉर्मली RO के साथ साथ सेटअप, आप देखिए मैंने बर्तन के लिए प्रॉपर सेटअप बना रखा है और जालियाँ लगा रखी हैं कि आप गीली थालियाँ आराम से स्टोर कर दें वहाँ पर। और लाइट का प्रोविज़न है, चूँकि ये किचन हमारी बालकनी में है, एग्जॉस्ट का पॉइंट हमने दे रखा है, यहाँ से प्रॉपर लगता है। ये 1 BHK में सबसे ज़्यादा इशू होता है फ्रिज कहाँ रखें। यहाँ पर देखिए, चूंकि 55 गज का एरिया है, 200 लीटर का फ्रिज आप रखें। यहाँ पे पावर पॉइंट है, इधर भी पावर पॉइंट है। ये फ्रिज के लिए है, ये आपका मिक्सी के लिए, मिक्सर ग्राइंडर के लिए, माइक्रोवेव के लिए, ओवन्स के लिए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं इसके 1 बेडरूम जो बेडरूम है मैं वो दिखाता हूँ। बेडरूम का साइज आप देखें तो अपने आप में ही बहुत अच्छा है। 12x12 का बेडरूम है जो नॉर्मली 1 BHK में नहीं मिलता है। अभी आप देखिए 12x12 बेडरूम के साइज, ये हमने यहाँ पे अलमीरा भी दे रखी है। अलमीरा का साइज देखिए,
नो फिट नो बाइट हाई की अलमीरा है और काफ़ी अच्छा एरिया। अब देखिए यहाँ 6x6 का दीवान डालने के बाद अलमीरा ओपन करने के बाद भी काफ़ी स्पेस निकल के आता है। अलमीरा के साथ ही पैरलर ये स्पेस पड़ा हुआ है जो बहुत अच्छा गेटअप दे रहा है। अब आइए मैं बालकनी में खड़ा हूँ, ये देखिए बालकनी का एरिया जो काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ देखिए स्प्लिट एसी का आउटर हमने दे रखा है, चिमनी का भी आउटर बाहर निकाल रखा है। यहाँ वॉश वॉशिंग का पॉइंट कि आपका मशीन वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ के, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है हमने बालकनी को कवर्ड कर रखा है प्रॉपर गेट से एक्सपेंसिव, क्योंकि कल नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ दूसरी साइडों में हमने जाल ग्रिल लगा के छोड़ दिया, यहाँ हमने प्रॉपर उसको कवर्ड कर रखा है। 1BHK मार्केट में अगर हम देखने चलते हैं तो हमारे पास 40 गज 42 गज 45 गज ही नंबर ऑफ यूनिट मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो 1BHK है वो है 55 स्क्वायर यार्ड का एरिया है और चौड़ी रोड पर है, साफ सुथरा एरिया है, लिफ्ट वाला है जो बहुत ही अच्छा है। तो मैं मित्रों आपसे एक चीज़ कहूँगा जो मैं आप स्टार्टिंग में शेयर करूँगा, सेम चीज़ लास्ट में बोलूँगा कि आप हमारे चैनल सृष्टि होम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।